टेलीकॉम की दुनिया के अंदर एक नए ऑपरेटर ने कदम रखा है जिसका नाम है वी। जी हाँ, वी जो है एक नया सिम कार्ड आ चुका है। क्या ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला है जियो की तरह? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब जियो आया था तो जियो ने जो है अपने सभी यूज़र को डेटा एंड कॉलिंग 3 मंथ के लिए फ्री दी थी, उसके अलावा सिम भी जो है बिल्कुल फ्री दिया था। तो क्या ऐसा कुछ वी करने वाला है, या फिर जो है वी के प्लान सस्ते होने वाले हैं? क्या कुछ जो है धमाल मचाने वाला है आखिर वी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वाकई में जो है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाली है, क्योंकि आप सभी जो है सिम कार्ड यूज़ करते हैं और वही सिम कार्ड यूज़ करते हैं, उसी कंपनी का यूज़ करते हैं जिसके प्लान सस्ते होते हैं, अच्छे होते हैं। तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि आखिर जो है वी क्या चीज़ है, वी क्या कुछ करने वाला है। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर वी कब लॉन्च हुआ था। तो वी जो है कल की डेट में लॉन्च हुआ था। वी पर काम बहुत ही दिनों से चल रहा था, लेकिन कल की डेट में जो है ये लॉन्च हो चुका है। अभी जो है वी काम करने लगा है, वी के सिम कार्ड चालू हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि वी जो है ये नई कंपनी है या फिर पुरानी कंपनी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वी जो है ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये कोई नई कंपनी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम तो पहली बार सुना है, आगे भी सुनिए, आप लोगों को पूरा प्रॉपर पता लग जाएगा कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि वोडाफोन और आइडिया जो है काफ़ी पहले एक हो चुके थे। आप सभी को मालूम होगा कि वोडाफोन आइडिया एक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इनमें कुछ मतलब अंतर नहीं हुआ था। वोडाफोन का जो है वो वोडाफोन का अलग सिग्नल था, वोडाफोन लिख करके आ रहा था, उसके अलावा उसके प्लान अलग थे, रिचार्ज अलग से हो रहा था। आइडिया जो था ये पूरा अलग था, आइडिया की रिचार्ज अलग हो रहे थे, आइडिया के प्लान अलग थे, सारा कुछ आइडिया यहाँ पर मतलब लिख करके आता था, ये सब दोनों अलग अलग थे, लेकिन ये कंपनी जो है एक हो चुकी थी। अभी क्या हुआ है कि अभी जो है फाइनली इन दोनों को पूरा पूरा एक कर दिया गया है, वोडाफोन और आइडिया को मिला दिया गया है। वोडाफोन का वी ले लिया गया और आइडिया का आई ले लिया गया, बना दिया गया वी। ये बन चुका है हमारा वी, यानी कि प्रॉपर जो है हमारा वोडाफोन और आइडिया मिल चुके हैं, अब एक हो चुके हैं और इन दोनों का मिल करके नाम बनता है वी। तो ये जो है इस हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, और आप सभी को मालूम होगा कि वोडाफोन कितनी पुरानी कंपनी है और आइडिया कितनी पुरानी कंपनी है, लेकिन अब इनको नया नाम दे दिया गया वी। अब ये दोनों एक हो चुके हैं। आप अगर वोडाफोन का सिम यूज करते हैं या फिर आइडिया का सिम यूज करते हैं तो आप वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जो है वी लिख करके आ रहा होगा। अब आपका वोडाफोन गैप हो चुका है, आइडिया गैप हो चुका है, ये दोनों जो है वी हो चुके हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पर जो है प्रूफ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो है आइडिया का सिम यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है वी इज हेयर लिख करके आ रहा है। तो यहाँ से जो है आइडिया गैप हो चुका है। इसी तरीके से जो है वोडाफोन के अंदर भी जो है वी लिख करके आ रहा है, वोडाफोन गैप हो चुका है। यहाँ पर जो है इनका एक नया ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है वी ऐप। इस ऐप के जरिए जो है आप अपने नंबर को जो है मैनेज कर पाओगे, इसी ऐप के जरिए जो है आप अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज कर पाओगे, चाहे वो आइडिया को हो या फिर वोडाफोन का हो। तो इनका जो है एक नया ऐप भी आ चुका है। तो यहाँ पर अभी जो है क्लियर हो चुका है कि वी जो है एक ये पुरानी कंपनी है, नई नहीं है। बस यहाँ पर जो है इसको नया नाम दिया गया है, नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम रख दिया गया है वी। लेकिन अभी यहाँ पर जो है बात आती है कि क्या वी के अंदर जो है प्लान सस्ते होने वाले हैं, या फिर जो है ये एक नई कंपनी आई है टेलीकॉम की दुनिया में, तो क्या कुछ मतलब नया धमाल मचाएगी ये, जैसे कि जियो ने मचाया था। जियो ने जो है 2-3 महीने फ्री कॉलिंग दी थी, सिम बिल्कुल फ्री दिया था, तो क्या ऐसा वी कुछ करने वाला है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जियो जब आया था तो जियो जो है ये बिल्कुल नया था टेलीकॉम की दुनिया में, बिल्कुल नया था। तो जियो ने क्या किया कि अपने यूजर्स बढ़ाने के लिए, ज़्यादा यूजर्स पाने के लिए जो उसने ऐसा किया था, 2-3 महीने के लिए डेटा फ्री दिया था और सिम बिल्कुल फ्री दिया था, इसलिए उसने किया था ताकि हमारे यूजर्स जो हैं वो बढ़ जाएँ, मतलब काफ़ी मात्रा में जो है हम यूजर्स को गेन कर लें, यूजर्स हमारे ज़्यादा हो जाएँ, इसलिए जो है जियो ने किया था। लेकिन आप सभी को मालूम है कि वोडाफोन और आइडिया जो है बहुत पुरानी कंपनी है, तो इनके जो है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटर हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़र हैं। तो ये जो है मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है ये बिल्कुल आपको जो है 2-3 महीने के लिए फ्री दे दें, या फिर इनके जो नए सिम कार्ड आएंगे, आप नया कनेक्शन लेंगे तो वो आपको जो है फ्री मिलेगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। ना ही इनके प्लान सस्ते होने वाले हैं, जो प्लान थे वही प्लान रहने वाले हैं फिलहाल, लेकिन आगे क्या होगा वो आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी सेम प्लान वही सारे रहने वाले हैं यहाँ पर। तो ये कहानी है वी की। वी जो है मतलब एक नई कंपनी तो है, लेकिन आप
कह भी नहीं सकते कि नई कंपनी है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। तो यहाँ पर मतलब कोई ज़्यादा मतलब खास कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, सारी मतलब हर एक सर्विस जो है आपको सेम मिलने वाली है, चाहे वो नेटवर्क के मामले में हो, इंटरनेट की स्पीड हो या फिर प्लान हो, सारा कुछ यहाँ पर जो आपको सेम मिलने वाला है। बस चेंज हुआ है तो चेंज हुआ है नाम, जो कि अब आपको जो है वी लिखा हुआ मिलेगा और वी के नाम से ही जो है वोडाफोन और आइडिया जाना जाएगा। अब जो है वोडाफोन और आइडिया का नामो निशान मिट जाएगा, एक नई कंपनी आ चुकी है वी। तो बस वी की कहानी यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। नमस्कार, मिलता हूँ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।